हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए मकर संक्रांति और लोहड़ी स्पेशल रेवड़ी की रेसिपी बनाकर लेकर आई हूँ। फटाफट से बिना मिलावट के बाजार वाली चीज़ों से बचकर आप घर पर फटाफट से रेवड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी और बहुत ही यम्मी, बहुत डिलीशियस है। चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। एक चम्मच घी लेंगे फ्रेंड्स और एक कटोरी तिल और आधी कटोरी उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम चीनी भी ले लेंगे। एक चम्मच करीब मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घी डाल दिया है। इसे थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं, बाकी घी हमने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने ये शुगर ले लिया है। शुगर लेने के बाद आप इसमें से आधी कटोरी हमने चीनी ली है तो आधे कटोरी से कम, हमें आधे कटोरी से आधा ही पानी लेना है। बिल्कुल तीन तार चाशनी बनानी है, बिल्कुल इस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से चलाना है जब तक कि हमारी चीनी बिल्कुल पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है। तीन तार वाली हम चाशनी बनाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर एक कटोरी करीब तेल डाल दिया है। तिल डालने के बाद फ्रेंड्स इसे भी इस तरह से आप से मिक्स कर लीजिए। सारे तिल में अच्छी तरह से हमारी चाशनी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी इसको पहले भूना नहीं था अपने तिलों को, तो हम इसी चाशनी में ही पकाएंगे। और एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है जो हमने मेल्ट कर रखा था, वही ये मैंने इसके अंदर एक चम्मच डाल दिया और हम अपनी चाशनी के अंदर ही अपने तिलों को पकाएंगे। और ये देख सकते हैं तीन तार वाली चिपचिपी इस टाइप की हमको अपनी चाशनी बनाकर रेडी करनी है। और इसके बाद आपको इसी तरह से अपने तिलों को चाशनी में ही पकाना है। बहुत ही अच्छी बाजार जैसी बन के रेडी होगी, आपको भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तिलों को। उसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने एक पन्नी ले ली है। पन्नी में मैं कोई भी पन्नी, पॉलोथीन कुछ भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर अपना जो भी मिक्सर बनाया इस टाइप का गाढ़ा मिक्सर बनाकर रेडी करना है। और इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। रूम टेम्परेचर में ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है नहीं तो हमारी रबड़ी बनकर रेडी नहीं होंगी। मैंने थोड़ा हाथों को पानी से गीला कर लिया है जिससे कि हमारे हाथों में नहीं चिपकेगी और बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर पर रेवड़ी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस टाइप से फटाफट से रेवड़ी बनकर रेडी हो जाएगी आपकी, आप देख सकते हैं। आप अपने हाथों में पानी लगाकर ही अपने घर पर रेवड़ी बनाएं, ज़्यादा ठंडा ना करें अपने मिक्सर को नहीं तो आपकी रेवड़ी नहीं बनने वाली है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और इस टाइप से आप करके छोटी बड़ी किसी भी शेप में आप अपने घर पर रेवड़ी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी यम्मी डिलीशियस एकदम क्रंची सी रेवड़ी बनकर रेडी हो जाएगी घर पर ही बिना मिलावट के। आप इस तरह से रेवड़ी बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये हमने अपनी रेवड़ी बनाकर रेडी कर दिया, हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद देखिए हमारी रेवड़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है, एकदम बाहर जैसी क्रिस्पी क्रंची रेवड़ी बनकर रेडी हो गई है। आप इस तरह से अपने घर पर फटाफट से 5 मिनट में ही रेवड़ी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ इसे अपने घर पर ज़रूर